नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच कल खेला गया। दोनों ही टीमें ढाका के मैदान पर इस मुकाबले में आमने सामने थी। सलामी बल्लेबाज फखर जमान की नबाद 50 की बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शनिवार को दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। बांग्लादेशी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 108 का छोटा स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 18 ओवर एक गेंद में 2 विकेट खोते हुए 109 रन बनाकर मैच जीत लिया। वहीं मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो शायद ही किसी बांग्लादेशी फैन को पसंद आए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी के तीसरे ओवर के दूसरी गेंद पर बल्लेबाज आफिफ हुसैन ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर झन्नाटेदार छक्का जड़ दिया था। शाहीन अफरीदी इस छक्के को खाने के बाद इतना ज्यादा भड़क गए कि अगली गेंद पर ही वो आपा ही खो बैठे। अगली गेंद पर आफिफ हुसैन ने गेंद को हल्के हाथों से खेला और उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। गेंद सीधे शाहीन के हाथ में गई। शाहीन ने गेंद पकड़ते ही ना आओ देखा ना ताओ और बल्लेबाज को गेंद दे मारी। गेंद लगते ही बल्लेबाज दर्द से कराह उठा। वहीं बल्लेबाज की हालत को देखकर अचानक शाहीन अफरीदी का गुस्सा ठंडा हो गया और वो बल्लेबाज के पास गए और उसका हालचाल पूछा। शाहीन अफरीदी की इस बौखलाहट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।